हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवीण शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इमोशंस, इनकी संवेग। तो आइए इसी विषय में सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। संवेग यानी इमोशन एक ऐसा पद यानी टर्म है जिसको हम सभी समझते हैं। क्रोध यानी कि एग्री, भय, डर, खुशी, हैप्पीनेस हमारे जीवन के प्रमुख संवेगों में से हैं। मनोवैज्ञानिकों ने संवेग को परिभाषित करने की कोशिश तो अवश्य की है, परंतु यह अवस्था एक जटिल अवस्था, कॉम्प्लेक्स स्टेट होती है। अतः मनोवैज्ञानिकों के बीच भी इसकी परिभाषा के बारे में पूर्ण सहमति नहीं है। क्लिगिन्हा एवं क्लिगिन्हा ने बतलाया है कि अब जो कि 1981 के हैं, अब तक संवेग की 92 यानी कि 92 परिभाषाएं दी गई और इन परिभाषाओं में संवेग के भिन्न भिन्न पहलुओं पर बल डाला गया है। शायद यही कारण है कि इन परिभाषाओं में आपस में सहमति नहीं है। तो इसी के साथ सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग ऑफ इमोशन। संवेग का अंग्रेजी रूपांतर इमोशन है, जो लैटिन शब्द इमोवेयर से बना है, जिसका अर्थ है उत्तेजित करना, टू एक्साइट होता है। इस शाब्दिक अर्थ को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि संवेग एक व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था का दूसरा नाम है। इसी संबंध में गेडार्ड महोदय लिखते हैं, संवेग जो है क्रियाओं का उत्तेजक है। इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट टाइपिंग हो गई है। तो संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है। इमोशंस आर इंसिटर्स टू एक्शन। लेकिन संवेग में सिर्फ उत्तेजित अवस्था ही नहीं होती, बल्कि कुछ और प्रक्रियाएं भी होती हैं। इंग्लिश के अनुसार संवेग एक जटिल भाव की अवस्था होती है, जिसमें कुछ खास खास शारीरिक एवं ग्रंथीय क्रियाएं होती हैं। बैरोन वर्न तथा कैंटोविज लिखते हैं, संवेग से तात्पर्य एक ऐसी आत्मनिष्ठ भाव की अवस्था से होता है जिसमें कुछ शारीरिक उत्तेजन पैदा होता है, फिर जिसमें कुछ खास खास व्यवहार होते हैं। इन परिभाषाओं को यदि गौरपूर्वक देखें तो हम पाते हैं कि संवेग जटिल अवस्था है जिसमें कुछ आंगिक प्रक्रियाएं, अभिव्यंजक व्यवहार तथा कुछ आत्मनिष्ठ भाव आदि सम्मिलित होते हैं, यानी कि बॉडीली रिएक्शंस होते हैं, एक्सप्रेसिव मूवमेंट्स होते हैं तथा सब्जेक्टिव फीलिंग्स होती हैं। इस तरह संवेग के कई पहलू होते हैं। संवेग का अर्थ सही सही समझने के लिए आवश्यक है उन पहलुओं के बारे में हम परिचित हों। तो वे पहलू कौन कौन से होंगे, इसके बारे में हम ध्यान केंद्रित करते हैं। संवेग एक जटिल अवस्था होती है। प्रत्येक संवेग में कुछ भीतरी या आंगिक प्रक्रियाएं होती हैं। संवेग में कुछ अभिव्यंजक व्यवहार भी होते हैं। संवेग में किसी न किसी तरह आत्मनिष्ठ भाव अवश्य देखे जाते हैं। इसी के साथ हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशन। जिसमें पहला बिंदु है संवेग विकीर्ण होता है। लेकिन उससे पहले हम कुछ बिंदु देख लेते हैं। संवेग का सही सही अर्थ समझकर उसका विशेष रूप से अध्ययन इन बिंदुओं के माध्यम से ही हो रहा है। जैसा कि पहला बिंदु इसमें दिखाई दे रहा है, तो संवेग विकीर्ण होता है। इमोशन इज डिफ्यूज्ड। संवेग में विकीर्णता से मतलब इस बात से होता है कि सांवेगिक उद्दीपन यानी कि इमोशनल स्टिम्यूल्स पूरे शरीर की क्रियाओं में एक तरह का परिवर्तन या तनाव लाता है। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि संवेग में शरीर के किसी एक भाग में नहीं बल्कि पूरे शरीर में एक तरह का तनाव फैल जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि संवेग की स्थिति में शरीर के भीतरी अंगों की क्रियाओं में थोड़ी देर के लिए परिवर्तन हो जाता है, जिसका प्रभाव स्वभावतः पूरे शरीर में होता है। संवेग कई तरह के होते हैं और प्रत्येक संवेग में इस तरह के तनाव की विकीर्णता, डिफ्यूजनेस और स्प्रीड का स्वरूप अलग अलग होता है। यहाँ तक कि एक ही संवेग में भिन्न भिन्न व्यक्तियों में तनाव की विकीर्णता अलग अलग होती है। जैसे कोई व्यक्ति क्रोधित होने पर काफ़ी उत्तेजित हो जाता है, उसके होंठ, पैर, हाथ आदि कांपने लगते हैं, जबकि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि क्रोध की अवस्था में सिर्फ आवाज़ ऊंचा कर बोलते हैं और उनमें दूसरी तरह का शारीरिक परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। अन्य संवेगों जैसे भय, खुशी आदि में भी तनाव की विकीर्णता या फैलाव पूरे शरीर में होता है।
अतः सभी संवेगों में विकीर्णता यानी कि डिफ्यूजनेस पाई जाती है। इसी के साथ हम देखेंगे सेकंड पॉइंट इसका, संवेग सतत होता है, इमोशन इज परसिस्टेंट, संवेग में सातत्य या निरंतरता पाई जाती है, कंटिन्यूटी का गुण इसमें पाया जाता है। जब भी कोई संवेग उत्पन्न होता है, उद्दीपक जैसे संवेग उत्पन्न हुआ है कि हट जाने के बाद भी कुछ देर तक व्यक्ति में संवेग बना रहता है। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए कि कोई व्यक्ति के सामने अचानक सांप आ जाता है, जिसे देखकर स्वभावतः उसमें डर का संवेग उत्पन्न हो जाएगा। सांप उस व्यक्ति को देखकर कहीं छिप जाता है या कुछ दूर चला जाता है। ऐसी परिस्थिति में जबकि व्यक्ति के सामने से सांप हट गया है, फिर भी डर का संवेग व्यक्ति में कुछ समय तक बना रहता है। ऐसा नहीं होता कि सांप उधर आंखों से ओझल हुआ और उधर व्यक्ति से भय का संवेग भी समाप्त हो गया। अतः संवेग में उद्दीपक के हट जाने के बावजूद भी कुछ समय तक निरंतरता बनी रहती है। विशेषकर बालकों में तो ये देखा ही जाता है कि अगर डरावनी वस्तु को एक बार देख लें तो उस स्थान पर जाने से कतराते हैं, यानी कि जाना ही नहीं चाहते हैं। ये बात सिर्फ भय संवेग में ही नहीं बल्कि प्रत्येक संवेग में होती है। संवेग में निरंतरता बने रहने का मूल कारण शरीर के भीतरी अंगों की चिकनी मांसपेशियों यानी जो स्ट्रक्चर होता है तथा उसका कार्य यानी कि फंक्शन है। इन मांसपेशियों की बनावट ही कुछ ऐसी होती है कि वे जल्दी किसी उद्दीपक यानी कि स्मूथ मसल्स की बनावट स्टिम्यूल्स द्वारा उत्तेजित नहीं होती, और यदि उत्तेजित हो भी गई तो फिर सामान्य अवस्था में आने में थोड़ा समय लगता है। यह समय इतना अधिक होगा कि संवेग निरंतरता भी उतनी ही अधिक होगी। ये बात अलग है कि लगातार व्यस्त रहने के बावजूद उसका ध्यान थोड़ा जहाँ केंद्रित था भयावनी वस्तु की तरफ रहती तो थोड़ा हट जाए, लेकिन फिर भी समय इसमें लगता है दूर होने में। नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं, संवेग संचयी होता है, इमोशन इज कम्युलेटिव, संवेग में संचयी का गुण होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई संवेग जब बार बार उत्पन्न हो जाता है तो थोड़ी देर के लिए उत्तरोत्तर वह अपने आप ही बढ़ते ही चला जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि संवेग व्यक्ति में एक खास प्रकार की मानसिक तत्परता यानी कि मेंटल प्रिपेयर्डनेस उत्पन्न कर देता है, जिससे व्यक्ति उसी दिशा में प्रतिक्रिया और भी अधिक करना चाहता है। इसी कारण से वह संचयी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे, प्रायः संवेग का स्वरूप अभिप्रेरणात्मक होता है। संवेग की इस विशेषता पर विटेकर 1970 एवं मार्गन किंग तथा रॉबिन्सन 1881 ने भी अधिक बल डाला है। प्रायः देखा गया है कि जब व्यक्ति में तीव्र संवेग उत्पन्न होता है तो उसका व्यवहार किसी खास लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसित होता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति में काफ़ी डर गया है तो वैसी हालत में वह या तो वहां से भाग जाएगा या अपने आप को कहीं ऐसी जगह छुपा लेगा कि डर उत्पन्न करने वाला उद्दीपक उसे दिखलाई नहीं पड़ेगा। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि संवेग में व्यक्ति कोई ना कोई व्यवहार अवश्य ही ऐसा करता है जो किसी खास लक्ष्य की ओर निर्देशित होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो संवेग की विशेषताएं हैं उनमें है संवेग विकीर्ण होता है, संवेग सतत होता है, संवेग संचयी होता है, प्रायः संवेग का स्वरूप अभिप्रेरणात्मक होता है। इसी के साथ हम देखेंगे कि जो इन्होंने परिभाषाएं जो दी थी मनोवैज्ञानिकों ने, उनमें खास बात ये थी कि संवेग में किसी न किसी तरह का आत्मनिष्ठ भाव अवश्य होता है। तो इसको डिटेल में समझ लेते हैं। प्रत्येक संवेग में किसी न किसी प्रकार का भाव अवश्य छिपा होता है। सामान्यतः संवेग में सुखद या फिर दुखद भाव की अनुभूति पाई जाती है। भय यानी कि फियर में दुखद भाव की अनुभूति तथा खुशी में सुखद भाव की अनुभूति होती है। यही बात अन्य संवेगों की स्थिति में भी पाई जाती है। कोई भी संवेग ऐसा नहीं होता है कि एक ही साथ एक ही व्यक्ति में एक ही समय में सुखद या दुखद दोनों भाव की अनुभूति को जन्म दे। अतः कोई भी संवेग बिना भाव यानी कि फीलिंग का नहीं हो सकता, और यदि कोई स्थिति यानी कि स्टेट ऐसी भी होगी जो कहें तो उसे संवेग नहीं कहा जाएगा।
जैसे कसरत या व्यायाम एक्सरसाइज करने की स्थिति संवेग की स्थिति नहीं कहलाती है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का भाव नहीं होता है। हालांकि कसरत करते समय संवेग के समान ही आंगिक परिवर्तन, ऑर्गेनिक चेंजेस तथा अभिव्यंजक व्यवहार एक्सप्रेसिव मूवमेंट्स होते हैं। कसरत करते समय हृदय की गति बढ़ जाती है, रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, चेहरा लाल हो जाता है, श्वसन की गति तीव्र हो जाती है, फिर भी ये संवेग नहीं होता क्योंकि इसमें कोई सुखद या दुखद भाव यानी कि फीलिंग्स नहीं होती। इस तरह से हम देखते हैं कि संवेग एक ऐसी जटिल अवस्था है जहाँ मूल रूप में तीन तत्व महत्वपूर्ण होते हैं, आंगिक प्रतिक्रियाएँ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, अभिव्यंजक व्यवहार एक्सप्रेसिव मूवमेंट्स तथा दुखद या सुखद भाव फीलिंग्स। इन तीनों में तो ऐसे तीन ही महत्वपूर्ण हैं, परंतु संवेग के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए सुखद या दुखद भाव का होना सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसके अभाव में संवेग नहीं रहते हैं। इसमें तीन बताए गए हैं जिसमें संवेग में कुछ अभिव्यंजक व्यवहार भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जिसमें संवेग की अवस्था में शरीर के भीतर अंगों के कार्यों में सिर्फ परिवर्तन नहीं होता बल्कि बाहरी अंगों में भी, जैसे कि हाथ पैर आँख चेहरे में भी कुछ परिवर्तन होते हैं, जिन्हें देखकर हम समझ जाते हैं कि व्यक्ति संवेग की स्थिति में। इससे स्पष्ट है कि अपने शरीर के बाहरी अंगों में परिवर्तन लाकर व्यक्ति संवेग की अभिव्यक्ति करता है। यही कारण है कि हम प्रायः देखते हैं कि क्रोध की अवस्था में व्यक्ति का चेहरा लाल हो जाता है, भौंहें चढ़ जाती हैं, होंठ कांपते हैं, भुजाएं फड़कती हुई दिखाई देती हैं। इन अभिव्यंजक व्यवहार को देखकर हम आसानी से समझ लेते हैं कि व्यक्ति क्रोध की अवस्था में। आज की इस वीडियो में हमने देखा संवेग। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।